हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एडुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। एंड सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए। गाइस, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़। गाइस, ये हमारी सीरीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें अपनी ना सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है, साथ ही हमें अपने एग्ज़ाम पैटर्न का भी पता चलता है, एंड ये रिवीजन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज़। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज हम इस सीरीज़ को सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस DSSB पेपर सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। DSSB का ये पेपर नवंबर 2021 में हुआ था। आज हम यहीं से इस पेपर को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में आया था, इज हु थॉट फर्स्ट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इंडिया, यानी लाइब्रेरी अधिनियम को भारत में किसने सबसे पहले इसके बारे में बात की। सो योर ऑप्शन इज ब्रॉडेन, रंगनाथन, डिकिंसन या फिर केशवन। इनमें से किसने सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम के बारे में बात की। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एस आर रंगनाथन ने 1930 में बनारस में, गाइस, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम ऑल एशिया एडुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इन्होंने, रंगनाथन ने, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम का एक मॉडल पेश किया और इस पर चर्चा की गई। उसके बाद भी इन्हें 1948 में हमारा पहला लाइब्रेरी अधिनियम पारित हुआ, जो कि फर्स्ट है हमारा, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ये हमारा 1948 में पारित हुआ और अब तक 19 स्टेट्स में ये पास हो चुका है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, यानी विश्व में कौन सा पुस्तक लाइब्रेरी एसोसिएशन सबसे पुराना एंड बड़ा है। सो गाइस, योर ऑप्शन इज IASLIC, जिसे हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, LA यानी लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, या फिर ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। गाइस, इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमारा D है, यानी ALA है। ALA हमारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई एंड इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन विद ए डैश, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कहाँ से शुरू किया जाता है. सो योर ऑप्शंस इज सोर्स, चैनल, एंट्रोफी या फिर सेंडर. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को सबसे पहले सेंडर द्वारा शुरू किया जाता है, उसके बाद सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर्स ये सब आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब लाइब्रेरियनशिप एज ए नोडल एंड सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन विच एनकरेज ओल्ड टाइप ऑफ रीडिंग एंड एडुकेशन. यानी किसने लाइब्रेरियनशिप के बारे में ये कथन कहा है. सो योर ऑप्शन इज मेयर्स, आर एल मित्तल, डेंटन या फिर पी एन कुला. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज आर एल मित्तल. आर एल मित्तल ने लाइब्रेरियनशिप के बारे में ये कथन कहा है. ये सभी डिस्क्रिप्शंस गाइस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. सो आप इन पर भी फोकस करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी मैथमेटिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई. योर ऑप्शंस इज शेनन एंड वेवर, वेवर, शेनन या फिर फाइट्रोनिन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए शेनन एंड वेवर. गाइस कम्युनिकेशन के हमारे तीन मॉडल होते हैं. कम्युनिकेशन मॉडल तो हमारे तीन मॉडल में फर्स्ट है एरिस चोचल, सेकंड है हमारा लेस वेल मॉडल एंड थर्ड इज हमारी मैथमेटिकल थ्योरी जो कि हमारी 1949 में आई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी वारंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी लिटरेरी वारंट को किसने दिया. योर ऑप्शन इज ई डब्ल्यू हुलमे, जे डी ब्राउन, मेलविल जेवी या फिर एस आर रंगनाथन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज जे डी ब्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिप्सियस इज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, यानी लिप्सियस जो कि हमारा पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है एक, इसे किसने डेवलप किया है. योर ऑप्शन इज डाटा प्रो कंसल्टेंसी, अपट्रॉन इंडिया, विप्रो इन्फोटेक या फिर लिप्सियस कॉरपोरेशन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज लिप्सियस कॉरपोरेशन एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. ये एक हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी स्कीम. ये स्कीम कब लाई गई और किसके द्वारा लाई गई. सो योर ऑप्शन
इज मेलविल डेवी, फ्रीमोंट राइडर, पाउल ऑटलेट एंड ला फोर्टिन, या फिर एस आर रंगनाथन। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज पाउल ऑटलेट एंड ला फोर्टिन। इनके द्वारा यूडीसी स्कीम शुरू की गई। यूडीसी स्कीम हमारी डीडीसी से ही निकाली गई एक स्कीम है, जो कि पाउल ऑटलेट एंड ला फोर्टिन द्वारा लाई गई। ये स्कीम हमारी यूडीसी डीडीसी के फिफ्थ एडिशन पर बेस्ड है, जो कि इन 1905 यानी 1905 में फ्रेंच भाषा में सबसे पहले इस स्कीम को मैनुअल द रिपर्टोरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल के नाम से फर्स्ट एडिशन इसका लाया गया। वैसे यूडीसी स्कीम की परमिशन 1895 में ही दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलन क्लासिफिकेशन सिक्स्थ एडिशन इज, यानी कॉलन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन किसके बेस्ड है। सो योर ऑप्शन इज एन्यूमरेटिव सिस्टम, फ्रीली फैक्टेड सिस्टम, ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव सिस्टम, या फिर रिजिडली फैक्टेड सिस्टम। यहाँ पर गाइस सिक्स्थ एडिशन की बात की गई है, जो कि हमारी फ्रीली फैक्टेड के अंडर है। फ्रीली फैक्टेड स्कीम को हम एनालाइटिको सिंथेटिक भी कहते हैं। स्कॉलर क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन हमारा 1960 में आया। कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम 1933 में यानी 1933 में एस आर रंगनाथन द्वारा लाई गई ये स्कीम है। अब तक इसके 7 एडिशंस आ चुके हैं इस स्कीम के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रूम्स थ्योरी इज रिलेटेड विद, यानी ब्रूम्स थ्योरी किस से रिलेटेड है। योर ऑप्शंस इज क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, कम्युनिकेशन, या फिर मोटिवेशन। सो गाइस ब्रूम थ्योरी हमारी किससे रिलेटेड है, ये हमारी मोटिवेशन से रिलेटेड है, जो कि ब्रूम द्वारा ही लाई गई थी एंड ये थ्योरी 1964 में शुरू की गई। गाइस आज हम इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वरना सेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। DSSB के एग्ज़ाम में लाइब्रेरी से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा है। सो इन 100 क्वेश्चंस को ही हम कवर करेंगे। आज हमने 10 क्वेश्चंस इसके कवर कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। गाइस
अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही ये पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइज़।